राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शुरुआत करी। मित्रों, मेरे लिए एक अच्छा दिन है। कुछ दिन पहले यहाँ के हमारे आदर्श शिक्षक प्रदीप नेगी जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने उनको विज्ञान भवन में सम्मानित किया। फिर उसी शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी से उन शिक्षकों की मिलना हुआ, और उन शिक्षकों के साथ जब मिलना हुआ उस समय में नेगी जी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद जानकारी हम सभी को दी कि नेगी जी की जो पढ़ाने की तरीका उन्होंने अपनाया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अनोखी तरीके से बच्चों को डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाने की बात कही गई, ब्लेंडेड लर्निंग की बात कही गई, उसकी एक प्रकार से प्रयोग इसी स्कूल में नेगी जी ने शुरू कर दिया था। कोरोना के समय में ऑनलाइन कैसे पढ़ाना और उसमें विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को कैसे ज़्यादा समझ आए, इसकी उन्होंने एक प्रयोग किया। इसीलिए उसको इस बार उनको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान में सम्मानित किया गया। मैं और मेरे मित्र धन सिंह जी को मैंने कहा था एक बार चल के प्रदीप नेगी जी की इस प्रयोग को खुद हम क्लासरूम में बैठ के देखें कि उनकी पढ़ाने का तरीके में क्या विशेषता था। प्रदीप जी ने जिस ढंग से इसको डेवलप किया, इकोनॉमिक्स की वो प्राध्यापक है, 12वीं की एक क्लास में मैंने बैठा, डिमांड सप्लाई की थ्योरी को कैसे उन्होंने बच्चों को एक सहज तरीके से, मैं खुद कैसे भी समझ पाऊँ, डिमांड सप्लाई के बारे में हम सब जानते हैं लेकिन उसको एक ज्ञान की दृष्टि से कैसे समझे, नेगी जी ने उनको एक अच्छा कोर्स डेवलप किया। ऐसे उन्होंने 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, 8th क्लास की स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ग्रामर जैसे क्लिष्ट विषय को कैसे अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को, मैं तो बचपन में ग्रामर को खूब डरता था, मेरे सामने शायद उस समय मेरे भाग्य नहीं हुआ कि नेगी जी जैसे कोई अध्यापक हमको मिले। इसलिए इस प्रकार की पढ़ाई देश में धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सोचा गया है 200 टीवी चैनल सभी राज्यों को दिया जाएगा, एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल। जैसे उत्तराखंड में 1 से 12 तक 12 चैनल दिया जाएगा उत्तराखंड के बच्चों के लिए, उसमें इस प्रकार की डिजिटल कॉन्टेंट को भी लाया जाएगा। टेक्नोलॉजी आज हमको उपलब्ध है, हम सारे टीवी चैनल बना लेंगे, लेकिन चुनौती आएगा उसमें पाठ्यक्रम क्या जाएगा, कंटेंट क्या जाएगा। प्रदीप जी जैसे एक्सपेरिमेंट जो प्राध्यापक देश भर में कर रहे हैं उसी को एकत्रित करके उसी को आगे बढ़ाने का और उसको आगे कैसे देश भर के विद्यार्थियों तक ले जाने का एक मेरे बेसिक निजी समझ बढ़ाने के लिए मैंने आया था। मैंने प्रदीप जी को दिल्ली में मिला था लेकिन मैं उनकी आज एक योद्धा को युद्ध क्षेत्र में मिलने से ही समझ में आती है कि योद्धा की ताकत क्या है। मैं आज मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी को अपने स्कूल में पढ़ाते हुए देखते हुए। प्रदीप जी को मैं अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूँ। मैं भी आज ये विद्यार्थी खूब चीज़ समझा सीखा और ये इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में उनकी सीख हमें मदद करेगी। सर, हर